हेलो दोस्तों, ये मेरा चैनल ज्ञानी इनफ लेकर आया हूँ आपके लिए टोयोटा फॉर्च्यूनर 2017 मॉडल। चलते हैं इसके पास में, दिखाता हूँ पास से इसके फॉग लैंप्स वगैरह। ये फॉग लैंप विद ये जो क्रोम गार्निश दिया गया, बहुत ही इम्पोजिंग लगता है। ये इसके हेडलैम्प्स, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये हैं इसके LED DRLs। बहुत ही अलग अलग पे LED बड़ी बड़ी दी गई है, बहुत ही प्यारी लगेगी जब ये लेट होगी। उसके ऊपर ये क्रोम एक्सेंट दिया गया है, आपको दिख रहा है ऐसे भी। चलता हूँ साइड में, साइड से दिखाता हूँ कैसी है ये। मिलते हैं आपको इसमें अलॉय व्हील्स, जो कि देख रहे हैं आप, ये हैं ब्रिजस्टोन के। RVM पे आपको मिलते हैं टर्न इंडिकेटर्स। ये कीलेस एंट्री मॉडल है, तो ये क्रोम में ही इसका दिया गया है कीलेस वाला बैज, जो आपकी कीलेस की कैच करेगा। चलते हैं और साइड में, ये इसका E4 मॉडल है। देख रहे हैं आप इसके पीछे आ गए हैं, यहाँ पे भी आपको ये रेड LED दी जाती है, जो आपकी ब्रेक लाइट है। बैक वाइपर मिल जाता है आपको इसमें। नीचे ग्रिल देख रहे हैं, ग्रिल पे भी आपको लिखा हुआ है फॉर्च्यूनर, वो भी पूरा ये क्रोम गार्निश पे दिया गया है। ये इसका बैक लुक है पीछे से पूरा। अब चलते हैं पीछे, देखते हैं इसका बूट स्पेस कितना है। देखते हैं इसका बूट खोलते हैं। अब ये भी एक वन टच है, आपको खाली टच करना है, अपने आप ऑटोमेटिक है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये ऑटोमेटिक ओपन है ये। बूट स्पेस तो काफ़ी है, जैसा कि आप जानते हैं SUV है ये, अच्छा खासा सामान आपका इसमें आ जाएगा। ये आपको रियर पैसेंजर के लिए सीट दी जाती हैं इसमें, या आप चाहें तो इसको फोल्ड कर सकते हैं, और उसके बाद भी काफ़ी जगह रहेगी सामान वगैरह रखने के लिए आपको इसमें। तो चलते हैं दूसरी साइड, दिखाते हैं दूसरी साइड से कैसी है गाड़ी, उसके बाद ले चलूँगा आपको इंटीरियर्स के अंदर। इसको फ़िलहाल हम बंद कर सकते हैं, ये है इसकी बंद करने की बटन डाउन, इसको आप प्रेस करेंगे और ये क्लोज़ हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक फंक्शन ही है। नाउ वी आर ऑन द अपोजिट साइड, जैसे कि मैं आपको उसका ये जो बैकलाइट दी गई है, पूरा LED बेस पे दिया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है, स्पोर्टी बनाने की पूरी कोशिश की है ये कार को, पूरा है फुल LED है। यहाँ पे आपको विंडो रूफ रेल पे भी पूरा क्रोम गार्निश मिल जाता है। ये जो ब्लैक शाइनी सरफेस दिया गया है, बहुत ही इसकी स्पोर्टनेस में काफ़ी एड ऑन करता है। चलता हूँ गाड़ी के अंदर, दिखाता हूँ आपको इसके इंटीरियर्स कैसे हैं और फीचर्स वगैरह आपको क्या मिलते हैं इसके अंदर। लेट्स गो इनसाइड द कार। अब आ गए हम लोग इसके अंदर, तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसके सीट फंक्शन भी पूरा ऑटोमेटिक है। ये आपका फ्रंट में करने के लिए ऑटोमेटिक सीट आप आगे कर सकते हैं, ये बैक में करने के लिए इसको आप पूरा बैक ले सकते हैं यहीं से। ये आपके हैं डोर पैनल्स पे जो बटन्स दिए गए हैं, ये आपके हो गए विंडो वन टच अप एंड डाउन, और उसके अलावा आपका ये RVM को एडजस्ट करने के लिए। तो चलते हैं कार के अंदर, सीट में अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ली है। लेट्स गो इनसाइड द कार। तो शुरू करते हैं इसके फ्रंट कंसोल से। तो जैसा कि देख रहे हैं, मैंने इसका की अभी इंसर्ट कर दिया है, कीलेस मॉडल है। तो इसमें आपको मिलता है ये RPM मीटर, पूरा लाइटिंग बेस पे दिया गया है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है गाड़ी के स्पोर्टी लुक्स में ऐड करने के लिए। ये इसका स्पीडोमीटर, ये फ्यूल गेज हो गया आपका इसका। इसके बाद इसकी स्टीयरिंग की तरफ चलता हूँ, इसमें आपको मिल जाते हैं सारे कंट्रोल्स। यहाँ पे आप अपना ट्रैक वगैरह चेंज कर सकते हैं, इंफोटेनमेंट सिस्टम का वॉल्यूम वगैरह हो गया, मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉल अपनी आंसर एंड कर सकते हैं। अब टोयोटा की कार है, तो एयरबैग तो एक आजकल वैसे भी हर कार में कॉमन हो गया, तो इसमें भी आपको पैसेंजर और ड्राइवर दोनों एयरबैग मिल जाते हैं। ये इसके AC वेंट्स, इसमें भी हल्का सा क्रोम प्लास्टिक दिया गया है, तो बहुत ही अच्छा और प्यारा लुक आ रहा है। आपको साइड पे डोर पे भी आपको यहाँ पे स्पीकर्स मिल जाते हैं। ये आपका हो गया ग्रैब हैंडल हो गया, अगर आप कभी ख़राब सड़कों पे जा रहे हैं तो उसके लिए। अब चलते हैं बीच में, इसके बीच में दिखाते हैं कैसी है ये। यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं, ये आपके हो गए AC वेंट्स वगैरह। बीच में आपको डिजिटल डिस्प्ले दिया जाता है, जो आपको ये क्लॉक वगैरह डिजिटल है। उसके बाद नीचे आते हैं, पूरा ये टच बेस पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। इसमें आप अपना रेडियो वगैरह हो गया, आपका फ़ोन वगैरह हो गया, सब इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, नेविगेशन वगैरह ले सकते हैं इससे। CD ड्राइव यहाँ इंसर्ट, CD यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। और बाकी जो एक नॉर्मल इंफोटेनमेंट सिस्टम में जो फीचर होते हैं, पूरे आपको सब कुछ इसमें मिल जाते हैं। ये आपका जो
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मॉडल है, तो इसमें आपको छोटा सा डिस्प्ले मिल जाता है आपको अपने एसी वगैरह का टेम्परेचर देखने के लिए। उसके बाद और नीचे आता हूँ अगर, तो आपको यहाँ मिल जाता है ये 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, ये आपको USB मिल जाती है, और यहाँ पे आप बाकी अपना हिल असिस्ट वगैरह और लेन असिस्ट वगैरह सब आप ऑन ऑफ कर सकते हैं यहीं से ही। इसके बाद मैं दिखाता हूँ इसका गियर बॉक्स आपको, तो ये एक 6-speed गियर बॉक्स मॉडल है विद 1 रिवर्स। उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ से अपना एक वर्टिकल करके मैं लुक देता हूँ आपको, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद बिल्कुल एक स्पोर्टी कार है, जैसे ये जो वुड फिनिश पे दिया गया है ये बहुत ही प्यारा है, बिल्कुल प्रीमियम फिनिश देता है कार को। उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, आपको यहाँ मिल जाते हैं मोड्स, डिफरेंट मोड आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। एक आपको मिल जाता है ये इको मोड, पावर मोड वगैरह सब आपको इधर ही मिल जाते हैं, आप अपनी राइडिंग कंडीशंस के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं इसको। अब इधर आते हैं तो ये आपके हो गए इसमें कप होल्डर्स वगैरह। उसके बाद ये आपका हो गया ग्लव बॉक्स, या आप हैंडस का भी काम करता है, ये भी पूरा एक लेदर फिनिश पे दिया गया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। ये आपको मिल जाता है ग्लव बॉक्स, काफ़ी गहरा है जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी स्पेस में बहुत सामान आ जाएगा आपका। उसके बाद चलते हैं साइड में डोर्स की तरफ, तो लगभग जैसे नॉर्मल डोर होता है वैसे ही है। और ये अब इसका आपको ग्लव बॉक्स दिखाता हूँ कैसा है, तो ये लाइटेड है, अंदर लाइट भी है इसमें, तो आपको अंधेरे वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद एयरबैग की बैजिंग आपको यहाँ मिली जाती है, फॉर्च्यूनर की बैजिंग भी आपको इधर मिलती है, एयरबैग की बैजिंग ऊपर है। तो चलते हैं पीछे, पीछे से देखते हैं कि कितना स्पेस वगैरह है इस कार में और कितना कंफर्टेबल है पीछे से। तो लेट्स गो टू बैक ऑफ द कार। अब आ गए हम लोग कार के पीछे, तो जैसे ही देख रहे हैं आप यहाँ पे भी आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं, उस पर भी इन्होंने क्रोम दिया है पूरा। सॉरी एसी वेंट्स नहीं है ये, बाय मिस्टेक बोला मैंने, एसी वेंट्स नहीं है यहाँ पे। आपको 12 वोल्ट का सॉकेट, ये खाली जो आपका हैंड रेस्ट है उसके लिए दिया गया है पूरा ये, तो एसी वेंट्स तो मिसिंग है इस कार में जैसा आप देख रहे हैं। पीछे भी आपको काफ़ी ये लग्जूरियस फील कराते हैं बैक, और सीट मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है और फिर भी मुझे कोई इशू नहीं हो रहा बैठने में यहाँ पे। बहुत ही अच्छी सीटिंग पोजीशन है, 6 feet का मैं हूँ, तो ऊपर हेडरेस्ट भी बहुत अच्छा है। पीछे आप ये देख रहे हैं कि आपको ये एयर आउटलेट्स मिल जाते हैं एसी के लिए, रीडिंग लाइट्स मिल जाती हैं, और इधर भी आपको एसी के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, देखते रहिए ज्ञानी इनफ, लेकर आता रहूँगा और वीडियोस आपके लिए, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस करिएगा जिसमें कि मेरा कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर